हाय फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा एंड वेलकम इन श्रद्धा रेसिपीज़। आज मैं बनाने वाली हूँ गुड़ और टमाटर की चटपटी सी चटनी, जो कि बहुत ही यमी होती है और बहुत ही इंस्टेंटली ये बन जाता है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और आप इसे किसी भी लंच, डिनर या किसी भी स्नैक्स के साथ ले सकते हैं। ये होममेड, हेल्दी, हाइजीनिक, टेस्टी चटनी है। तो चलिए फिर देखते हैं कौन से इन्ग्रीडियंट्स चाहिए हमें। गुड़ और टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले टोमेटो प्यूरी। ये हमारे अबाउट 7 to 8 मीडियम साइज़ के टोमेटो थे, टमाटर, उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ये है हमारी जैगरी यानी गुड़, और ये अबाउट 50 ग्राम होगा हमारा। ये है ऑयल, ये मैं लूँगी अबाउट 2 टेबल स्पून। शुगर है हमारा, ये मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। अगर आप शुगर अवॉइड करना चाहते हैं शुगर अवॉइड कर सकते हैं। ग्रीन चिली 3 से 4, लहसुन यानी गार्लिक 5 से 6 कलियां हैं, और ये है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और 1 ये हमारा गरम मसाला पाउडर है, एंड ये भी हमारा जीरा पाउडर है, और ये हमारा नमक है स्वाद अनुसार। तो ये हमारे इतने से इंग्रेडिएंट हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम बनाना। सबसे पहले हमने 2 पैन लिए हैं, जो फ्राई पैन है उसमें हम जो हमारी जैगरी है यानी गुड़, इसको हम पानी के साथ मेल्ट करेंगे, क्योंकि ये मार्केट से लाई हुई है तो मे बी इसमें डस्ट हो सकता है। तो इसलिए हम पानी के साथ इसको, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेंगे, जस्ट आप जितना हमारा गुड़ है 50 ग्राम, तो उसमें हम एक चाय के, जो चाय का कप होता है उतना पानी हम लेंगे 1 कप, और साथ में मेल्ट करेंगे बॉयल आने तक का, और फिर हम इसे सीव कर लेंगे, तो जो डस्ट होंगे हमारे वो निकल जाएंगे। तो ये पर्पस है हमारा गुड़ को मेल्ट करने का। दूसरी तरफ हम एक कढ़ाई लिए जिसमें 2 टेबल स्पून यानी 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे तड़के के लिए। इसमें हम डालेंगे जो हमारी ग्रीन चिलीज थी, हरी मिर्चियाँ 3 से 4 बारीक कटी हुई, लहसुन उसको भी हमने फाइनली चॉप कर लिया, काट लिया है चाकू से, और इसे हम साथ में टेम्परिंग देंगे, तड़का लगाएंगे, और जब तक जो हमारे लहसुन और गार्लिक या रेड जो ग्रीन मिर्चियाँ हैं वो थोड़ी सी ब्राउन ना हो जाए। देखिए ब्राउन हो चुके हैं, उधर हमारा जो जैगरी है गुड़ वो भी काफ़ी हद तक मेल्ट हो चुका है, और अभी हम जो हमारी तड़के में हम डाल देंगे टोमेटो प्यूरी, और इसे भी अच्छे से ऑयल और टेम्परिंग के साथ मिक्स करते हुए तब तक पकाना है जब तक कि जो टोमेटो प्यूरी में वाटर है वो पेपर बन के, भाप बन के उड़ ना जाए। टोमेटो प्यूरी से जब पानी निकल जाएगा तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। देखिए तो अभी हम इसे एक बार चला लेते हैं अपना गुड़, तब तक हमारी टोमेटो प्यूरी भी तैयार हो जाएगी। हाई फ्लेम पर करना है दोनों को अभी, और काफ़ी हद तक जो हमारी जैगरी है यानी गुड़ है वो मेल्ट हो चुकी है, बस थोड़ा सा हमें इसे और मेल्ट करना है। ये हमारे देखिए टोमेटो प्यूरी भी वाटर निकल चुका है, और जो जैगरी है वो भी काफ़ी हद तक बॉयल हो चुकी है, हमारे गुड़ पूरे मेल्ट हो चुके हैं, और अब हम इसे सीव कर लेंगे यानी एक छलनी से छान लेंगे, जिससे हमारे सारे डस्ट जो है निकल जाएंगे, तब तक टोमेटो प्यूरी और पक जाएगी। ये हमारी छन्नी है, हमेशा बारीक छन्नी का यूज़ करें, तभी डस्ट फंसे रह जाएंगे, अगर आप मोटी छन्नी का यूज़ करेंगे तो डस्ट साथ में निकल जाएंगे। और ये हम इसमें सीव कर लेते हैं, छान लेते हैं। ये देखिए हमने छान लिया है, और इसमें जो भी थोड़े बहुत डस्ट थे हमारे वो निकल चुके हैं, और ये हमें साफ हमारा गुड़ का पानी मिल गया है, और इधर हमारा टोमेटो प्यूरी भी परफेक्टली रेडी है, काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है, इससे वाटर निकल गया है। अब जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम ऐड करेंगे। पहले हम सॉल्ट ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार आप अपने कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैं अबाउट 2 टीस्पून 2 छोटे चम्मच ऐड कर रही हूँ, एक एवरेज, और 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और ये हमारा 1 टेबल स्पून क्यूमिन पाउडर यानी भुने हुए जीरे को पीस लिया तो उसका पाउडर है, और 1 टीस्पून कोई भी आप गरम मसाला ले सकते हैं, 1 छोटा चम्मच। ये हमें अच्छे से मिक्स करना है। देखिए काफ़ी अच्छे से कलर भी चेंज हो गया,
और मसालों को साथ में पकने का टाइम मिलेगा तो काफ़ी अच्छी और चटपटी तैयार होती है ये चटनी। और हमने शुगर भी इसमें डाल दी है, बट अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप शुगर को फुली अवॉइड कर सकते हैं। आप जस्ट जो जैगरी है, गुड़ है, उसके साथ पकाएं तो थोड़ा खट्टा मीठा टेस्ट भी आएगा और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी हार्मफुल नहीं होगा। और अदरवाइज़ मैंने चीनी मिलाई है और इसमें मैं जो गुड़ का पानी था हमारा बॉयल किया हुआ उसको भी डाल दूंगी। और इसे साथ में हम पकाएंगे, अच्छे से मिक्स करते हुए भुनेंगे जब तक थोड़ा सा ये थिक ना हो जाए और कलर भी चेंज हो जाएगा इसका। ये देखिए अबाउट 2 मिनट, 2 मिनट हमें लगा था, उसके बाद ये काफ़ी रिड्यूस हुआ है क्वांटिटी में, कलर चेंज हुआ है और थोड़ा थिक भी हो गया ये। इसे हम अच्छे से पकाएंगे, 2 मिनट हमने पहले पकाया था, 1 मिनट के लगभग हम और इसे पकाएंगे, थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे और उसके बाद हमारी टमाटर की चटपटी सी चटनी, टमाटर और गुड़ की रेडी हो जाएगी। आप इसे गरम गरम समोसों के साथ, पराठों के साथ खाएं, चाट में डाल के खाएं या जैसे भी खाएं। देखिए हमारी टमाटर प्यूरी 1 मिनट तक पकाने के बाद बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। एक बाउल में हमने ट्रांसफ़र कर लिया और आप इस टमाटर, क्योंकि पकी हुई टमाटर की चटनी है तो आप इसे किसी भी कंटेनर में रख के, फ्रिज में रख करके 1 महीने तक या 2-3 हफ्ते तक, जब तक आप चाहें, आराम से प्रिजर्व करके रख सकते हैं, स्टोर करके। 1 महीने के बाद ये ख़राब हो जाती है तो 1 महीने तक रख सकते हैं। तो इस तरीके की चटपटी, हेल्दी, डिलीशियस रेसिपीज़ हम आपसे हमेशा शेयर करते रहेंगे। तो प्लीज़ इस रेसिपी को लाइक करें, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में या अदर से शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।